हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मॉडर्न आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सिंपल सी पिक को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं और उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी अपने फोन से। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फोन में पिक कार्ड को ओपन करें और प्लस के निशान पे क्लिक करें, एडिट फोटो पे जाएं और कोई भी एक फोटो सिलेक्ट करें जिसकी आपने बैकग्राउंड चेंज करनी है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको मैं दो ट्रिक बताऊंगा। अगर आपकी पीछे से बैकग्राउंड प्लेन है तो आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। उसके लिए आप कट आउट पे क्लिक करें और इस फोटो के चारों ओर आउटलाइन करें, यहाँ से आपने बैकग्राउंड कट करनी है। और तीर के निशान पर जस करें अगर आपका कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा कट हो गया है, जो रेड का निशान दिख रहा है आपको वो आपका पार्ट कट हो गया है। अगर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कट हो गया है तो जहां से ब्रश लेकर उसे आप बढ़ा सकते हैं और सेव पे क्लिक करें। देख सकते हैं, तो जो अगर एक्स्ट्रा पार्ट रह गया है बैकग्राउंड का, उसे कट करने के लिए आप ड्राव में जाएं और नीचे तीन लाइन पर क्लिक करें तो जो पहली लेयर है उसको डिलीट कर दें। तो फिर दोबारा बैक करें और रेज कर दें इसको, तो एक्स्ट्रा पार्ट है। इसका साइज बढ़ा लें रेज होने के बाद जैस पे क्लिक कर दें। आपके फोटो की बैकग्राउंड कट हो गई है। अब इसे सेव करने से पहले हम कपड़ों का कलर चेंज करते हैं। उसके लिए आप पहले इफेक्ट्स में जाएं, लास्ट में इधर सबसे लास्ट में कलर में जाएं और थ्री नंबर पे जाएं और इस गोले को उस पर छोड़ दो जिसका आपने कलर चेंज करना है। जैसे मैंने इस कपड़े का कलर चेंज करना है, देखो कलर चेंज हो गया। तो अब हम सेव कर देते हैं। तो गैलरी में सेव। बैकग्राउंड लगाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी बैकग्राउंड में ज़्यादा कचरा है तो उस बैकग्राउंड को आप कैसे कट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देखें। चलो इसकी बैकग्राउंड सेट करते हैं। पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, तो अब हम ऐड फोटो पे जाएंगे। तो जो हमने पिक कट की है इसकी बैकग्राउंड उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐड पे जाने के बाद ऐड पे क्लिक, तो ये हमारी फोटो आ गई है। अब हम इसे सेट करेंगे जहाँ पर लगाना है इस पिक को। तो इसके हेयर चेंज करते हैं, आपको बताते हैं हेयर चेंज कैसे करने हैं। तो ऊपर से जस्ट करें, आपको PNG फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी हेयर की, तो मेरे पास डाउनलोड है। हम आपको बताते हैं कैसे सेट करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करें, तो हेयर को सिलेक्ट करें, ऐड पे क्लिक करें। तो इसे घुमाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे सेट करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप टैटू कैसे लगा सकते हैं।
तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इरेज करेंगे। हेयर सेट हो गए हैं, अब ऊपर एडजस्ट करते हैं इसे। और टैटू लगाने से पहले थोड़ा फोटो को क्लियर करते हैं। तो आप ब्यूटी में जाएं, स्मूथ में आएं, देखो थोड़ी सी चमक आ गई है। और हम इसे सेव कर देंगे ऊपर से। अब टैटू लगाते हैं। टैटू लगाने के लिए स्टिकर पर क्लिक करें और सर्च करें ऊपर में टैटू। टैटू ड्रैगन, जो भी टैटू आप लगाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। घुमा लीजिए, तो जहां लगाना चाहते हैं फिर सेट करिए वहां पर। जैसे मैंने लगाना है इसको, एक्स्ट्रा पार्ट पर मूव कर लीजिए। रिमूव करने के लिए रेज को उठाएं। एडजस्ट कर दें। ये हमारा टैटू रेडी है। इसके बाद हमें एडजस्ट करेंगे। अब इसकी आउटलाइन देंगे। आउटलाइन के लिए इफेक्ट पे क्लिक करें, फिक्स पे जाएं। आउटलाइन मिल गई है, अब इसे सेव कर देंगे। कट करेंगे और गैलरी में सेव करेंगे दोबारा से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।